ये लगा कि यार शायद कोई रिलीजियस चीज़ है, हिंदुइज्म में रिलीजन से जुड़ी हुई हो, तो पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई इस किस्म का कोई एक्शन या कोई चीज़ परफॉर्म की है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने बेसिकली पिच को झंडा लगाने और झंडा गाड़ने में फर्क समझते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी ट्रेनिंग करती थी झंडा लगाती थी नेट प्रैक्टिस के दौरान, और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस के मैदान में इंडिया का झंडा गाड़ा है। ये फर्क है। हमारे कोच पहले कहा करते थे कि जब भी प्रैक्टिस हो एक खिलाड़ी झंडा लेके जरूर आए ताकि झंडे को देखकर इनमें मोहब्बत रहे, मगर टीम इंडिया के खिलाड़ी ने बताया कि जब आपने जर्सी बदन की पहनी हो तो फिर किसी को देखकर मोहब्बत जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये यहाँ पर दिल में रहती है। उन्होंने कहा कि हम इस गेम को सीरियस लेते हैं, इस गेम की इज्जत करते हैं और सर झुका के चलते हैं, और जाहिर है हमें जो मिल रहा है वो उस गेम की वजह से मिल रहा है। मेरा ख्याल है अगर ये इज्जत हर खिलाड़ी करने लगे ना खेल की तो उसकी परफॉर्मेंस अनडाउटेडली आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। माने मुझे पूरे इनकी वर्ल्ड कप के बाद जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सेलिब्रेशन हुई, मुझे सबसे खास चीज पता क्या लगी, दो, एक रोहित शर्मा का झंडा गाड़ना कि एक कप्तान के दिन में कैसी लगन है, ये वतन से मोहब्बत होती है कि आप झंडा गाड़ते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया आपके इनकी तारीफ कर रही है, ठीक है। और दूसरा रोहित शर्मा का पांड्या को चूमना, ये दो खिलाड़ी थे जिनका वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा मसला था कि इनका आपस में बन पाएगी सिस्टम भी है सैरिश। आप देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सिस्टम उन्होंने पिछले 4-5 साल से बनाया है तो उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। आप देखिए अभी जिम्बाब्वे के लिए एक सीरीज है जिसमें ये सीनियर टीम ऑलरेडी वेस्ट इंडीज में, लेकिन एक दूसरी टीम अनाउंस हो चुकी है, इसका मतलब आप ये देखिए उनकी बेंच कितनी स्ट्रांग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन के एक नए वीडियो में। दोस्तों भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के जीत जाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस में भारत का झंडा लहरा दिया है और गाड़ दिया है। और दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उस स्टेडियम की पिच को रिस्पेक्ट देते हुए उस स्टेडियम की पिच की मिट्टी खाई है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के लिए उनके दिल में बहुत ही जगह बन चुकी है, क्योंकि दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है जिनके लिए हर भारतीय के फैन में, हर पाकिस्तानी फैन में उनके लिए दिल बहुत ही बड़ा है। और दोस्तों आज इस काम को देखकर पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के को जमकर तारीफ कर रही है और बता रही है हमारे वहाँ अगर कप्तान बाबर आजम होता उसको तो अपने आप को रिस्पेक्ट करना नहीं आता है तो स्टेडियम की पिच को कैसे रिस्पेक्ट करेगा। जो अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है वो स्टेडियम को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। जी हाँ, तो भारतीय कप्तान ने जो शानदार किया दोस्तों जीत गया है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा की दीवानी हो चुकी है। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों देखते हैं आगे कि पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक बड़ा ही क्रंचिंग प्रेशर से भरा हुआ इंटेंस वर्ल्ड T20 का फाइनल जीतती है टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा, वो सीधा जाता है पिच के ऊपर, पिच में से आप ग्रेन्यूल्स कह लें, थोड़ा सा सॉइल कह लें, आप जो मर्जी उसको कह दें, वो एक दो टुकड़े उठाता है, उनको जिसे कहते हैं अपनी ज़बान पर लगाता है, उनको खाता है, ईट करता है, जो भी आप उसको कह लें, उसके बाद वो पिच को थपथपाता है। इट्स मोर लाइक ना इट्स आप वो उसने इस तरीके से उसको टैप किया कि जैसे आप कहते हैं वेल डन, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है। खैर ये हो गया, मैंने वो वीडियो देखी है एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि यार रोहित ने ये क्या किया है। अच्छा पहले मुझे ये लगा, मैं आपको अपना बताता हूँ, पहले मुझे ये लगा कि यार शायद कोई रिलीजियस चीज़ है, मतलब कोई एक रिलीजियस कोई आप कह लें कोई कोई इबादत टाइप कर लें या कोई पूजा टाइप कह लें, कुछ एक ऐसी चीज़ के जो रिलीजन से जुड़ी हो, हिंदुइज्म में रिलीजन से जुड़ी हुई हो, तो पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई इस किस्म का कोई एक्शन या कोई चीज़ परफॉर्म की है रोहित शर्मा ने। लेकिन फिर जब मैंने उस क्लिप को बार बार देखा, फिर मैंने आगे पीछे जब इसके ऊपर अपना होमवर्क किया, तो मुझे ये पता चला कि नहीं, ये कोई रिलीजियस मैटर नहीं था। रोहित शर्मा ने बेसिकली पिच को रिस्पेक्ट पे किया है, इज्जत दी है। ये वो चीज़ है रोहित शर्मा की कि जो आपको नहीं कहीं और नज़र आएगी। एक तरफ रोहित शर्मा है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान है इस पर्टिकुलर टाइम में, दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम्स में से एक, जिसका बहुत बड़ा नाम है, जिसकी मिलियंस में फॉलोइंग है, लोग उसके ऊपर मरते हैं, सर वो अपनी मॉडेस्टी में, अपनी आजजी में जाकर पिच के ऊपर एक उसको ट्रिब्यूट पेश करता है, पिच को सलाम पेश करता है, पिच की इज्जत अफजाई करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस ने तो कप के ऊपर पैर रख लिए थे सर, मैंने आपको बताया ना हमारी मिट्टी बहुत डिफरेंट है, ये सब कॉन्टिनेंट की जो सॉइल है ना, ये कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। हम कुछ चीज़ों में शायद दुनिया से पीछे हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम जिसे कहते हैं कि दुनिया में बिल्कुल ही कोई अंधेरे किसी कुएं में रहते हैं, नहीं, हम कई चीज़ों में दुनिया से बहुत आगे हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा मानना है कि जो इंसान की ज़ातियात के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, उसमें हम काफ़ी बेहतर हैं।
काफ़ी बेहतर जिसको कहते हैं, हमारे मामला सटल हैं ये, वरना पिच को कौन रिस्पेक्ट पे करता है भाई, खुद सोचें रिस्पेक्ट पे करता है कोई पिच को? नहीं, रोहित शर्मा ने सर रिस्पेक्ट पे की और वहां से ना आपके आपके दिल में रोहित शर्मा का जो कद है जो काट बनी है उसके पीछे दोस्तों एक मिथ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जब हारा वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा कि हमें अपनी क्रिकेट को अब ऊपर लेके जाना है, हमें भी अपनी क्रिकेट को थोड़ा यू नो के प्रोग्रेस करनी है, मगर फिर वो शोर दब गया। और मैं ये चाह रहा था कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने ताकि ये शोर दोबारा से उठे, अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन बन जाता तो हमें इतना रहता ना, माजर के साथ बहुत से फैंस शायद इस चीज में हो जाते कि ठीक है इंडिया भी तो नहीं बने ना, बट अब इंडिया बन गया, अब ये तकलीफ ज्यादा बढ़ी है हमें कि यार हमारा हमसाया देश, हमारा रवायती हरीफ या राइवल कंट्री वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, हम पहले ही राउंड से बाहर हुए हैं, ये आप फिर दोबारा से वो बहस शुरू हो गई है कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप यकीन माने मुझे पूरे इनकी वर्ल्ड कप के बाद जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सेलिब्रेशन हुई, मुझे सबसे खास चीज पता क्या लगी? दो, एक रोहित शर्मा का झंडा गाड़ना कि एक कप्तान के दिल में कैसी लगन है, ये वतन से मोहब्बत होती है कि आप झंडा गाड़ते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया आपके इनकी तारीफ कर रही है, ठीक है। और दूसरा रोहित शर्मा का पांड्या को चूमना, ये दो खिलाड़ी थे जिनका वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा मसला था कि इनका आपस में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, इनका अपना मीडिया कह रहा था कि आईपीएल का झगड़ा कहीं टीम इंडिया के अंदर तो नहीं आ जाएगा। दोनों को देख के लगता है कि दोनों की मंजिल एक थी, दोनों का रास्ता एक था, और यही वजह है कि उनके सब खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेले और उनके कप्तान को मौका मिला कि वो झंडा गाड़ सके बार-बार उसके मैदान के अंदर। दोस्तों ये विजुअल्स दिल जलाने के लिए नहीं है या कि सीखने के लिए है, आज जो इंडियन क्रिकेटर्स मतलब कल जीत के जो उन्होंने जश्न मनाया उसे हम भी सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद इसलिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर थोड़ा दबाव बना रहे, जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और पाकिस्तान आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुआ बड़ा शोर मचा कि हम अपनी क्रिकेट को कहां से बेहतर कर सकते हैं, बड़ा दोबारा एक सियासी किस्म की जिसे बोलते हैं ना बयानबाजी, वो क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से सामने आई, मगर उसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल कुछ भी नहीं हुआ और दो चार दिन शोर मचा। अब जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल पहुंची और अब जब जीत गई है एकदम फिर फैंस को होश आया कि नहीं हम तो बहुत ही पीछे हैं, ये होश पहले भी था जब हम वर्ल्ड कप से बाहर निकले थे। तो ये जीत मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जाने के लिए बड़ी कारामद हो सकती है और मैं मेरी ख्वाहिश है कि इंडियन सरकार जो है ना वो अपनी इस जीत का कोई 10 12 15 दिन तक जश्न मनाती रहे सरकारी सतह पर हो, ताकि हमारे फैंस को थोड़ा ये गुस्सा रहे, ये दबाव जो है ना क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बना रहे। ये हमारे यहां क्या होता है बस ये एक दो दिन तक झाकी तरह गुस्सा आता है उसके बाद सब बैठ जाते हैं। इंडिया वाज द बेस्ट टीम और मैच जो हमने फाइनल देखा उसमें भी ये चीज जो है वो दोबारा से एक स्टैंप लग गया कि डिजर्विंग टीम ही विन। ऑब्वियसली उनका जो सिस्टम चल रहा है ना हमें उनके सिस्टम को देखना चाहिए, हम अपने पड़ोस को क्रिटिसाइज तो करते हैं मगर देखें तो उनके क्रिकेट के अंदर वही कोच पिछले 4 साल से है, लड़के कितनी अच्छी तरह यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं अपनी जगह छोड़ते हैं, हमारे वाले जो है आपने भी जिक्र किया था ना कि वो 2012 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये देखो ये कैरी ऑन करेगा मेरी जगह पे सचिन ने उसको, तो उन्होंने कभी किसी को किया अभी मतलब नहीं। आपने क्या बात की थी कि इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों को आईपीएल में जाकर खेलना चाहिए, यहाँ पे एक सजेशन है कि हमारे सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जाएं और शायद आईपीएल में जाएं तो दे वो भी बेटर। वो दुनिया की हर लीग खेलते हैं मगर सीखते कुछ नहीं है, सुधरते नहीं है। आप वो देखें हमारे कैंप से किसी ने आवाज उठाई कि मैं अब 36 साल का हो गया हूँ, मैं अब T20 से रिटायर हो रहा हूँ, किसी ने की? लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि उसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई कुर्सी पे बट्टी साहब ने उस दिन जिक्र भी किया था कि आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़े तो पता इसका मतलब ये होता है कि आपके घुटने चले गए, आर्थराइटिस आपको हो गया, मगर आपने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। लोगों को करना चाहिए, लोगों को, ये हमारे और उनके कल्चर में फर्क है। आप कह रहे हैं कि आईपीएल जाकर खेले, भाई आईपीएल में आने कोई बाहर खेलते वो तो कहीं नहीं खेलते, और उनका डिसिप्लिन आप देख लें, हमारा लड़का आईपीएल में भी आप जाकर खेले तो फिर रह क्या गया? अजीब सी अब लोग बात करते हैं, मतलब ये देखें जो हमारे लड़के हैं इन्होंने गैंग्स बनाए हुए, अभी वीडियोस चल रही हैं कि बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका काम है प्रैक्टिस करना, उनका काम है भागना, वो देखें तो नहीं बना रहे किसी के लिए कोई कुछ जाके पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर रहे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है दोस्तों किस तरह से रोहित शर्मा की जमकर तारीफ कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने हर भारतीयों का दिल जीता है और दोस्तों हर पाकिस्तानियों का दोस्तों पूरी दुनिया का दिल जीत दिया है रोहित शर्मा ने ये कारनामा करके, क्योंकि दोस्तों स्टेडियम की पिच खाना, स्टेडियम की मिट्टी खाना दोस्तों हर क्रिकेटर दोस्तों रिस्पेक्ट नहीं देना जानते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने जो रिस्पेक्ट दिया है पिच को और जो भारत का झंडा गाड़ा है दोस्तों मैदान में दोस्तों उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जल चुकी है और बता रही है कि वही कप्तान भारत के कप्तान को देख लो कितना शानदार क्रिकेट खेला है, किस तरह से क्रिकेट खेला है और आज उसने भारत का नाम सबसे ऊँचा कर दिया है। वही हमारे वहाँ बाबर आजम को देखो और जिस तरह से शर्मिंदा क्रिकेट खेला है और जिस तरह से यूएसए जैसे टीमों को हार कर बाहर हो गई है, वो पाकिस्तान की टीम बहुत निहायत एकदम ख़राब टीम थी इसलिए वो बाहर हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार विक्ट्री हासिल की इस पूरे टूर्नामेंट में और लगातार भारतीय टीम ने मैच जीतकर दोस्तों टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 की खिताब रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी के अंदर जीत लिया है और दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के अंदर रोहित शर्मा हार गए थे लेकिन आज फिर से उन्होंने 2024 में T20 का खिताब अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।